ना जाने कितने बच्चे नालियों में बह गए होंगे। म्यूजिक चीता देख रहा जरा जरा चीता बेटा अमित। हाँ पापा। तेरे पास 70 रुपए है क्या? आज पहली बार पापा ने मुझसे पैसों के लिए हेल्प मांगी है। शायद इनको 70 रुपए की जरूरत है और मुझे भी बहुत खुशी होगी उनको पैसे देते हुए। हाँ पापा हैं। तो ये तू झांड जैसे दाढ़ी क्यों नहीं कटवाता? इज्जत नहीं है भाई। दिस इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, दिस इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, दिस इज द बिगेस्ट नेशनल इशू। सर आज तक हमारा पूरा डिपार्टमेंट जिसको पकड़ नहीं पाया, मैंने आज उसे रंगे हाथ पकड़ा है। जैसा आप सुना ना आपने, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है और आज ही आपके सामने पेश करूंगा रंगे हाथ। मुजरिम को पेश किया जाए। आजा। Hi, hello, hello. You are so pretty. From India, and you? Yeah, and you where from? Fuck you, man. Ke lode. Fuck you, mother. Is it chutiya bana diya? Sorry, is it chutiya bana diya? अमित भाई का कितनी गर्मी है यार। हेलो। अरे भाई साहब, ये तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पड़ा है। अरे पड़े रहने दो यार, बहुत गर्मी हो रही है, शाम को आके उठाता हूँ। यही तो है मुस्कान का आशिक। अब तो कुत्ते के भी दिन आ गए, अपने दिन पता नहीं कब आएंगे। भाई अपना नंबर बोलो। नंबर नोट करो, 9871 7826। क्या 99? अबे यार इसमें पेमेंट में काफी दिक्कत आ रही। क्या हुआ, पेमेंट नहीं हो रही क्या? नहीं यार, तो देख कैसे करना, मेरी तरफ मत देखियो। My friends are toxic, all ambition is so rude and always negative. टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर। यार तेरी आवाज में कितना दर्द है, हमारी आवाज में क्यों नहीं है इतना दर्द? भाई तू भी प्यार कर किसी लड़की से, धोखा खा, फिर देख तेरी आवाज में भी कितना दर्द आएगा। अरे भाई मैंने कौन सा धोखा खाया है? तो मैंने कब कहा कि तेरी आवाज में दर्द है? Thank you.
ए हाँ ये देख जादू दिखाओ जादू। हाँ दिखाओ। हाँ ये देख ध्यान दियो ठीक है देखता रहियो। हाँ तू भी देख ठीक है बस 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 दो मिनट से देखियो। ये लोगों की सोच देख रहा हूं मैं। अरे बहनचोद पागल हो तुम। अरे अगर रणवीर भाई नंगे हो भी गए तो क्या हुआ हाँ। अरे अपनी सोच बड़ी करो। जिंदगी जीने का हक सबको है आजादी का हक सबको है। एक ये बहन की लोड़ी छोटे कपड़े मत पहना कर घूंघट करके चला कर पूरे समाज में तूने इज्जत नहीं छोड़ी मेरी। तुझसे तो परेशान हो गया हूं मैं। बेबी सुनो 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 ऐसा जो हस्बैंड करे ना उसको डिवोर्स दे दो बच्चा। नाइट आउट मार के समझ गए ना घड़ी को। अरे बेटा जल्दी मार कर सामान जल्दी लेके आओ। हाँ माँ जा रहा हूँ। माँ मैं दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ब्रो दो मिनट में फ्रेश होके आता हूँ ठीक है यार बहुत तेज लगी है। अरे बेटा जल्दी मार कर सामान जल्दी लेके आओ। हाँ माँ जा रहा हूँ। लेकिन एक सेकंड ये क्या है हाँ क्या गांडू है बर्बाद बहन चोर। अरे अर्जुन भाई आपसे कुछ सवाल करना था। ये जो गाना है केसरिया तेरा इश्क है पिया इसकी जो इतनी गान मारी जा रही है लोग कह रहे हैं कि टिकट कराइए बिहार की ट्रेन जा रही है मुंबई तो फिर ये लिरिक्स एकदम कुछ समझ नहीं आ रहे तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहोगे। अरे रुक जा यार बता रहा हूँ यार। हाँ देख करण मेरे को क्या लगता है ना भाई कि गाने की तो सच में बहुत गान मार रहे हैं पर जो कि मारनी नहीं चाहिए मारनी तो चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि इसका जो राइटर है ना इस गाने का वो मेरे को लग रहा है टोनी कक्कर। क्या सोच है रे तेरी। तो बट हो गया क्लियर सब मानना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्या सोच है रे तेरी। यह लड़का साल भर से जॉब की तलाश में था। इसने हर दिन बहुत मेहनत करी कि इसकी जॉब लग जाए। जगह जगह पे इसने इतनी कॉल करी पर कोई भी रिस्पांस नहीं देता था। यह अपनी ज़िंदगी से परेशान था और हर दिन वह घर पे ताने सुनता गाली खाता लोगों से अपना मजाक बनवाता। कोई ऐसा दिन नहीं जो लोगों को कॉल ना करता और जगह जगह इंटरव्यू देने ना जाता पर किस्मत उसका साथ नहीं देती। फिर फाइनली एक दिन उसकी जॉब लग गई। हेलो सर हमारे यहाँ पे जॉब की वैकेंसी खाली है क्या आप आना चाहेंगे। मैं नोएडा से अमित चौधरी मैं लाइव इतनी बड़ी न्यूज लेके आया हूँ। इतनी बड़ी दादागिरी आज तक नहीं देखी गई। मैं कह रहा हूँ कि सरकार और मैं कह रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट तक इसका कुछ नहीं कर सकती। बीच रोड पे इतनी बड़ी गुंडाई पूरा रास्ता जाम कर दिया और कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। किसी के अंदर हिम्मत है बड़े से बड़े गुंडे बड़े से बड़े आतंकवादी भी आ जाए तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ देखो कोई नहीं हटा सकता इसको यहाँ से। गुंडाई देखो इसकी रोड जाम कर दिया है। इसके बाप का रोड है भैया। हाँ छोटे मुझे ना आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोल क्या हुआ। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था बट बोल देता हूँ। हाँ बता बता। मम्मी पापा ना आपको गोद लेकर आए थे कहीं से उठा कर लेकर आए थे। छोटे गलती उनकी नहीं है। जिनकी औलाद ही नलायक हो ना उन्हें बच्चा गोद लेना ही पड़ता है।
इज्जत नहीं है भाई। सो हेलो एवरीवन, मैं आ रखा हूँ आज रशिया और इस पार्क में मेरी एक फ्रेंड मिल गई है बहुत पुरानी, तो आप लोगों को मिलवाता हूँ। इंग्लिश बहुत फास्ट है उसकी। हाय, क्या हाल है? अरे काड़ू, यहाँ क्या कर रहे तू? मैं जा